ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हमारे साथ समित मदर स्टूडियो में आज मौजूद है बहुत ही कर्मठ, खासकर लोगों को युवा की बात करें प्रेरणा स्रोत और खासकर शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा भी कह सकते हैं, एमएम साहिल जी। आइए हम ले चलते हैं सीधा, क्या कहना है क्या एमएम साहिल जी के, जो शिक्षा क्षेत्र में पिछले 20 से 25 साल से कार्यरत हैं, अब तक की बात करें तो नौ ज्यादा कितने युवाओं को इनके रोजगार के माध्यम बनाए हैं। आज पे कहीं कहीं का अपने सेंटर के दौरान जो बच्चों को रोजगार दिलाने का काम किया तो कहीं ना एक मार्गदर्शन रूप में साबित हुए हैं एमएम साहिल जी। ऐसे सीधे ले चलते हैं एमएम साहिल जी, हमारे समीप के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में स्वागत है, वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जिस तरीके से आपको पहले ले चलते, जैसे कि जैसे काफी अरसे से आपको देखते आ रहा हूँ कि इसका आगे इसके कोचिंग करा दे रहा हूँ के नाम से एक फेमस ब्रांड नेम है आपका शहर देहरादून की बात कर रहा था। और देहरादून राजधानी एक ऐसा शहर है कि जहाँ दूर देहरादून ही नहीं बाहर के अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, खासकर एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन हब माना जाता है। तो सबसे पहले हमारे सभी के दर्शकों को बताइए, कब से अपने इसके कोचिंग सेंटर का स्थापना की, आपकी उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से देहरादून जो है हमारे सिविल सर्विस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिफेंस प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। 2012 में रावईएस एकेडमी की स्थापना की गई और तब से लेकर निरंतर प्रदेश को सैकड़ों व्यक्तियों को इसके माध्यम से सफल कराया गया और उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। रावईएस के माध्यम से जो सफल छात्र हुए उन्होंने देश प्रदेश का नाम रोशन किया और जो है रोजगार के उद्देश्यों को प्राप्त किया। साहिल जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से बहुत से आपके माध्यम पैसे कमाने में बहुत सारे जरिए थे, तो कोचिंग सेंटर क्यों खोला, आपके उद्देश्य क्या था? कोचिंग का मौलिक उद्देश्य क्या था कि जो हमारी बेरोजगारी है वो एक चरम स्तर पर है, तो ये हमारे असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा एक साधन है कोचिंग, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इससे कोचिंग मालिक ही को रोजगार नहीं मिलता बल्कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज के हर वर्ग को इसके माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता है, क्योंकि हॉस्टल की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत रहती है, तो हॉस्टल मालिक को भी एक रोजगार मिल जाता है, बहुत सारे बच्चे चाय की दुकान वाले को भी रोजगार मिल जाता है, और जो अध्यापक बेरोजगार है जो काम करते हैं इसके अंतर्गत उनको भी रोजगार प्रदान हो जाता है। तो शायद मेरा सवाल यह था कि आपने प्रशिक्षण देने के काम सोचा, आखिर इसके प्रेरणा कहां से मिली आपको? जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो हमने भी सिविल सर्विस की तैयारी करी लेकिन किसी कारण से हमें सफलता नहीं मिल पाई। जो हमारे आदर्श थे शिक्षक, उनको देखकर ये लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, वो किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है, खासकर सिविल सेवा के सेक्टर में। तो सिविल सेवा का जो अध्यापक होता है उसकी समाज में एक अलग जगह होती है, समाज निर्माण में उसका प्रमुख योगदान होता है और सेवा सम्मान चरम स्तर पर प्राप्त होता है। साहिल जी, आपको लगा कि जो आप बनना चाह रहे थे, कि हाँ एक गोल होता है फिक्स करता है कि हमने ये बनना है, वो चाहते भी नहीं बन पाया? निश्चित रूप से जो हमने कमियां की उन्हीं कमियों को दूर कराया जाता है और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर सफलता का मंत्र दिया जाता है, जिससे वो सिविल सर्विस जैसे परीक्षा में सरलता से पास हो जाते हैं। आज तक बात करें आईएएस के कोचिंग कराते हैं, इसके साथ साथ क्या क्या आपके आपके सेंटर में? हमारे यहाँ आईएएस, पीसीएस और जुडिशरी जैसी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जो प्रदेश की परीक्षाएं और देश की परीक्षाएं है उन्हीं के लिए ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे हमारे प्रवक्ता एग्जाम हो गए, हमारे एलटी एग्जाम हो गए, जो समय समय पर आयोग के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, रावईएस के अंतर्गत उनकी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। शायद जी, 12 साल पहले की बात है, 2008 में हमने शुरू किया था, 12 साल, लगभग 12 साल हो गए अभी फिलहाल, 2020 में हम एंटर किए हैं, उसमें 12 साल पहले की स्थिति क्या थी? राव का एक ब्रांड नहीं रहा होगा, डैशबोर्ड संघर्ष किया होगा, उसको यहाँ तक मकाम हासिल करने में कितना मुश्किल बढ़ा रहा होगा, आसान काम है जो बच्चे के काम? निश्चित रूप से जो हमारा सिविल सर्विस परीक्षा की जब हमने ये कोचिंग खोली रहा आईएएस, तो निश्चित रूप से संघर्ष रहा, लेकिन धीरे धीरे हम निरंतर सफलता की ओर बढ़े, विद्यार्थियों को कोचिंग के माध्यम से सफलता मिलती चली गई, जिससे रावईएस के अंतर्गत एक बड़ा कारवा विद्यार्थियों का खड़ा हुआ। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से
निरंतर कोचिंग सेंटर, चाहे वो बड़े कोचिंग सेंटर हो या छोटे कोचिंग सेंटर हो, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीके से कमर टूट गई है। तो क्या लगा इसमें कहीं ना सरकार से आप लोगों सही हो, आप ही आप शामिल हैं, आप जैसे कितने संचालक प्रशिक्षण केंद्र जो संचालित करते हैं, सबके साथ समस्या आपने खुद बताया कि जैसे ही है जी। तो लाख कोशिश करने के बाद सब सरकार की बारे हर एक सेक्टर को खोल दिया गया है, अनलॉकडाउन हो गया, लेकिन आखिरकार क्या लगता है वजह कोचिंग क्या रखी? कोचिंग संचालकों के द्वारा कोरोना काल के अंतर्गत सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया, सरकार को हर प्रकार से सहयोग भी प्रदान किया गया। आज वर्तमान परिवेश में ये देखा जा रहा है कि हमारी सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोचिंग सेंटर की उपेक्षा कर रही है। उसका मूल कारण यह है कि कोचिंग के अंतर्गत अधिकतर जो 18 साल से लेकर 35 साल का युवा वर्ग आता है, जिसकी ह्यूमिनिटी सबसे ज्यादा है, उस वर्ग को तो कोरोना की बात करती है सरकार, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शराब की दुकान जहां 60 साल का बुजुर्ग शराब पीता है, जहां सब्जी मंडियों में अपार भीड़ लग हुई है, बस के अंतर्गत जो है जो सवारियां हैं वो निरंतर सफर कर रही है, सड़क पर व्यापक जाम की स्थिति है, वहां से कोरोना नहीं फैलता है, कोचिंग की उपेक्षा हो रही है, जिससे कोचिंग संचालकों में सरकार के प्रति व्यापक रोष है। यहां तक कि कुछ कोचिंग सेंटर को संचालकों के द्वारा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सरकार निरंतर कोचिंग सेंटर की अनदेखी कर रही है। देहरादून के अंतर्गत कई कोचिंग संचालकों के द्वारा कोरोना काल के अंतर्गत आत्महत्या भी कर ली गई, जिस पर सरकार ने किसी प्रकार की ना तो कोई अनुदान की घोषणा की और ना ही इस सरकार को ने किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता अब तक कोचिंग संचालकों को दी है। ये थे हमारे साथ एमएम साहिल जी, उन्होंने बेबाक बात अपनी बात रखी, खासकर जिस तरीके से प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर समस्या से जूझते नजर आए, अपनी बात साझा श्रमिक मंत्र के चैनल पर आगे साझा किया।